नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक महीने पहले ही पेरेंट्स बने हैं। आलिया ने बेटी को जन्म दिया और इसके साथ ही रणबीर और आलिया की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आए। पिता बनने के बाद इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, जाहिर है यह बात अब रणबीर कपूर ने भी महसूस की है। रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता बनने के बाद के अनुभव को शेयर किया और इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। रणबीर ने खुद इस बात का खुलासा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया। रणबीर कपूर हाल ही में सऊदी अरब के जेदाह रेड सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म पेरेंटिंग और कई चीज़ों पर बात की। इवेंट के दौरान उन्होंने अपने पिता बनने के बाद अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी का भी खुलासा किया। इंटरव्यू के दौरान जब रणबीर से पूछा गया कि बेटी के जन्म के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदला है, इसके जवाब में वह कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा, मुझे पहले ही पिता बन जाना चाहिए था। बातचीत के दौरान रणबीर ने अपने मन की एक ऐसी बात शेयर की जिसमें उनका एक डर साफ तौर पर झलक रहा था। रणबीर कहते हैं, जब मेरी बेटी 20 साल की उम्र में पहुंचेगी मैं 60 साल का हो जाऊंगा। वह कहते हैं, क्या मैं उनके साथ फुटबॉल खेल पाऊंगा, उनके साथ भाग पाऊंगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये निश्चित रूप से अलग तरह का अनुभव है जिसे उन्होंने अभी तक महसूस नहीं किया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रणबीर ने बेटी के परवरिश को लेकर भी अपनी बात रखी। अभिनेता के मुताबिक आलिया और वह दोनों मिलकर बेबी के लिए समय मैनेज करेंगे। जब आलिया काम पर जाएगी तो रणबीर बेबी के साथ रहेंगे, वहीं जब रणबीर काम पर जाएंगे तो आलिया घर पर ही मौजूद रहेगी। रणबीर ने यह भी कहा कि माता पिता बनने के बाद इंसान पहले से ज़्यादा समझदार हो जाता है, चीज़ों को ज़्यादा नज़दीक से समझने की कोशिश करता है। बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर 6 नवंबर 2022 को बिटिया का जन्म हुआ। बेटी का नाम राहा नीतू कपूर ने दिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों रणबीर कपूर अपनी नई फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी है, जिसका निर्देशन कबीर सिंह फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। इसके अलावा वह श्रद्धा कपूर के साथ लव रंजन की फिल्म में नजर आएंगे। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।